हेलो एवरीवन बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका इंट्रोडक्शन, नीड, इम्पोर्टेंस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑन द फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग करेंगे। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में एक कमेटी गठित की गई थी जिसको कैडबरी कमेटी का नाम दिया। बेसिकली इसको, इस कमेटी का मकसद क्या था कि जो लिस्टेड कंपनीज थी उसमें जो इन्वेस्टर्स थे वो कंपनीज की जो ऑनेस्टी है उस पे, उनका जो अकाउंटेबिलिटी है उसके ऊपर से उनका भरोसा उठ रहा था। तो उसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए और नए तरीके एडोप्ट करने के लिए ये कमेटी गठित की गई थी 1991 के। वहां से कॉरपोरेट गवर्नेंस की शुरुआत हुई है। अगर हम मीनिंग को एक्सप्लेन करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि बेटा इसके अंदर सब कुछ आ जाता है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट के रिलेशन में, उसका लीगल फेस, उसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, उसका कल्चरल अरेंजमेंट जिसकी सहायता से वो काम करता है। तो कोई भी कॉर्पोरेट क्या करती है, कैसे कंट्रोल होती है, कैसे डायरेक्ट होती है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। बेसिकली इसके अंदर अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेस्ट से बेस्ट तरीका, मेथड, प्रोसीजर क्या हो सकता है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसकी सहायता से आप पूरी कॉर्पोरेट को डायरेक्ट करते हो, कंट्रोल करते हो, मैनेज करते हो। और क्यों आप मैनेज करते हो, क्यों कंट्रोल करते हो, उसके पीछे रीजन है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या है, जो आपके कॉर्पोरेट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनका क्या है, आप वो हित रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, इसके अलावा आपके एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये सारे क्या है, आपके कॉर्पोरेट के स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब इम्प्लॉय क्या चाहता है, गुड जॉब चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है एट रीजनेबल प्राइसेस, सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी अच्छा इन्वायरमेंट चाहती है, रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप चाहती है कॉर्पोरेट के साथ। तो ये सारी चीजें उपलब्ध करवाना और एक अच्छी रिलेशंस स्टेक होल्डर के साथ इस्टेब्लिश करना, इसका काम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम। और ये काम कैसे हो सकता है, जब आप अपने कॉर्पोरेट को अच्छे से क्या करते हो, मैनेज करते हो, डायरेक्ट करते हो, कंट्रोल करते हो। और वो मैनेज कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, वो क्या है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक तरीके से इथिकल कंडक्ट है। इथिकल कंडक्ट मतलब कि किस तरीके से इथिकल स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स को किस तरीके से आपकी कंपनी ने उसको एडोप्ट किया है, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया है, कैसे प्रोसीजर को अपनाया हुआ है। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आता है। दूसरी बात है कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो कॉर्पोरेट है, वो हमेशा ही क्या रहता है, चेंजिंग सिचुएशन में रहता है, बदलता रहता है। तो कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम ये नहीं कह सकते कि वो एक स्टेबल सिचुएशन में रहता है। अकॉर्डिंगली वो भी क्या करेगा, आपकी कंपनी के साथ साथ क्या करेगा, मतलब चेंज होता रहेगा, डायनेमिक इन नेचर रहेगा। कोई एक मेथड, प्रोसीजर या सिंगल तरीका नहीं है जो हम कहें कि दिस इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो हर बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आगे है बेटा कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, हम कैसे पता लगाएं कि ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं, किसको हम बेस्ट मानें। तो अभी तक हमने इसका जनरल मीनिंग पढ़ा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इसको एक बार और रिवाइज कर देते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिलेशन है बेटा बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से इसका रिलेशन है। साथ ही साथ इसका संबंध है कि जितने भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी एप्लीकेशन करना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, इथिकल स्टैंडर्ड्स को, प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करवाना, उनकी एप्लीकेशंस करवाना, ठीक है। तो ये सब कुछ। दूसरा, अगर कंपनी जो कुछ उसकी अर्निंग है, ठीक है,
उसका जितना रिवेन्यू होता है तो उसका किस तरीके से एलोकेशन होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इम्प्लॉयज के लिए क्या किया जाता है, तो ये सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आती है और यही चीजें किसी कंपनी को क्या करती है, चलाती है. तो दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर हम बात करें तो क्या है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई भी जो कंपनी है वो बोर्न गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं हो सकती. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा क्या होता है, डेवलप करना होता है, उसको बनाना होता है, उसकी फाउंडेशन तैयार करनी होती है. तो जन्मजात जैसे ही आप कंपनी शुरू करते हो तो वो अपने आप ही गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा नहीं बन जाता, उसको बनाना पड़ता है. तो उसके लिए आपको क्या चीजें देखनी पड़ेंगी कि आप फेयरनेस हो आपकी वर्किंग के अंदर, अकाउंटेबिलिटी आपकी वर्किंग के अंदर हो, ट्रांसपेरेंसी आपकी वर्किंग के अंदर हो, तो आप क्या कहोगे कि एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है किसी कंपनी के अंदर. दूसरा क्या है कि जब भी आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हो तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए. मैंने अभी बताया था कि कंपनीज क्या करती है बेटा कि वो अच्छे रिलेशन स्टेक होल्डर्स के साथ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हैं तो आपकी मार्केट में इमेज क्या होती है, बेटर होती है. और उनकी उनको सेटिस्फाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट है उसके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, इम्प्लॉयज है, कस्टमर्स हैं, ठीक है, सोसाइटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, सबके इंटरेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो उनके इंटरेस्ट को हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और यही कॉर्पोरेट करती है, इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या करती है, उनको उनको अचीव करने में उनके अकॉर्डिंग उनको इन्वायरमेंट देने का क्या करती है, प्रयास करती है. दैट इज नोन एज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कि जरूरत क्या है एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, हमें क्यों जरूरत है, रीजन है कि क्या क्या. सबसे पहला है कि जहां पर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वहां पर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन पाया जाता है, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल पाया जाता है जो कि मैनेजमेंट को अच्छे से कंट्रोल करता है. मैनेजमेंट करना किसका काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड्स की टाइमली मीटिंग करवाना, बोर्ड्स की मीटिंग में टाइमली डिसीजंस लेना, ठीक है. इसके अलावा आप अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट की डिसाइड करते हो कि कौन किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, अगर मैनेजमेंट कोई गलत काम करती है तो वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई रॉन्ग वर्क करते हैं तो वो किसके प्रति अकाउंटेबल होंगे, शेयर होल्डर के प्रति. तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है गुड गवर्नेंस के अंदर, ट्रांसपेरेंसी वर्क के अंदर रहती है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहती है. इसके अलावा जो आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होता है वो सिक्योर होता है, आप हर तरीके का एनवायरनमेंट जिसमें आप सेफली वर्क कर सको, कॉन्फिडेंटली वर्क कर सको, वो कौन प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड करता है. इसके अलावा टाइम टू टाइम मैनेजमेंट के द्वारा मॉनिटरिंग का काम करना, एफिशिएंसी को चेक करना, ये काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है. इसके अलावा बोर्ड क्या करता है, टाइमली शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, उनको अप टू डेट रखता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उनके इंटरेस्ट के हितों की रक्षा की जाती है. तो ये सारी चीजें क्या है, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट. आगे है कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी किस किस के ऊपर बेस्ड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अगर ये प्रिंसिपल्स किसी भी कंपनी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, फर्स्ट इज रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करो, उनके हितों की जानकारी भी दो और जहां पर उनके हितों की जरूरत है उनको रिकॉग्नाइज करवाने की जरूरत है उनको बताओ, उनका जो इशू है उनके इशू को अच्छे से हैंडल करो. तो ये काम किसके अंदर होता है, कॉर्पोरेट के अंदर होना चाहिए. हाँ, इग्नोरेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर जहां पर होगी वहां पर हम उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और जहां पर हितों की रक्षा नहीं होगी वहां पर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन बेटर नहीं होगा. सेकेंड है बेटा कि आप इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर,
जितने भी आपके अंशधारी है उनको इक्वली ट्रीट करो, इक्वली ट्रीटमेंट। मतलब कुछ एक शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कि माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कुछ एक मेजोरिटी के अंदर आते हैं जिनके पास नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, तो सबको इक्वली मानकर आप चलो। तो ये भी प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इसके अलावा आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रोल्स, पावर क्या है, ड्यूटीज, राइट्स क्या है, उसके वो सारी चीजें क्या है क्लियर होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आराम से नहीं बैठ सकते कि सेट प्रोसीजर और मेथड्स हमने बना दिए हैं और अपने आप वर्किंग चलती रही। उनको टाइमली इफेक्टिवली उनकी मॉनिटरिंग करना भी जरूरी होता है, तो ये भी प्रिंसिपल के अंदर आता है। इसके अलावा आपके जो बोर्ड होता है, आगे हम सिलेबस के अंदर करेंगे कि बोर्ड की डिफरेंट कमेटीज होती है जो एफिशिएंटली वर्किंग में क्या करती है, बोर्ड की हेल्प करती है, जिसके अंदर रेमुनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी आती है, हम आगे करेंगे उनको। तो उन कमेटीज को बनाना और क्वालिफाइड और ऑनेस्ट पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करना, उनको रिजनेबल रेमुनरेशन देना, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आगे है कि आप ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट मैंने बताया है, कोड ऑफ एथिक्स भी प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि एथिक्स के स्टैंडर्ड्स और जो प्रोसीजर्स हैं वो कम्युनिकेट किए जाए टाइमली और उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ये भी प्रिंसिपल है। अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल है जो मैंने अभी बताया। फेयरनेस का है, यानी कोई भी चीज छुपी हुई नहीं होनी चाहिए और जो फैक्ट है रियलिटी में उसी को प्रेजेंट करना चाहिए, तो वो भी क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अलावा कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने सिचुएशन आती है कि इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट कर जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कंपनी का इंटरेस्ट होता है, तो वहां पर किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, तो वो भी आपको देखना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है पर्सनल के बजाय कंपनी इंटरेस्ट में आपकी डिसीजन मेकिंग हो, तो ये भी प्रिंसिपल के अंदर आता है। आगे है रेमुनरेशन की पॉलिसी फेयर होनी चाहिए, इंटीग्रेटिव हो, इथिकल बिहेवियर हो, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो आपके रूल्स रेगुलेशंस का, डिफरेंट लॉज है या सेबी की रेगुलेशंस है उनका अच्छे से पालन कर रहे हो, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्ट और रूल्स लॉज निकालती है उनका आप पालन कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो भी प्रिंसिपल के अंदर आता है। और जितना हो सके आपकी कंपनी ग्रो करने की बजाय सस्टेनेबिलिटी की तरफ होनी चाहिए, एक ही बार ग्रो करने के बजाय आप उस चीज को किस तरीके से सस्टेन कर पाओ वो आपका मेन मकसद होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करें, जहां पर ये सारी चीजें, जहां पर शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना रोल अच्छे से अदा करती है, मैनेजमेंट को अच्छे से कंट्रोल करती है, तो वहां पर क्या होता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके महत्व की, आवश्यकता क्या है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कोई भी कंपनी जब स्टैब्लिश होती है तो अपना काम वो अपने आप करती है, हमें इन चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या है, क्यों हमें शेयर होल्डर्स को, क्यों हमें इम्प्लॉइज को या फिर स्टेक होल्डर्स के बारे में या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, सरकार के बारे में, सेबी की गाइडलाइंस के बारे में, सारी चीजों के रूल्स रेगुलेशन लॉज के बारे में क्यों सोचना पड़ता है, क्या आवश्यकता है इस? तो हम नीड्स और बेनिफिट्स करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। फर्स्ट है बेटा क्रिएटिंग गुडविल। गुडविल कब बनती है, जब आपकी रेपुटेशन अच्छी हो, और रेपुटेशन कब अच्छी होती है, जब आपकी वर्किंग फेयर होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को बड़े ही ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट अगर अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखेंगे और कोड ऑफ एथिक्स का ध्यान रखेंगे, उसको टाइमली इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तो अपने आप एक जो पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर जाके वो क्या करते हैं गुडविल को क्रिएट करते हैं। तो फायदा क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि इससे गुडविल क्रिएट होती है। सेकंड पॉइंट है एक्सेसिंग कैपिटल एंड फाइनेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मदद करता है पूंजी को टाइमली प्राप्त करने। जब भी आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्या कर सकते हो बड़े आराम से, अगर आप इफ यू हैव अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आपके जो गुडविल की वजह से आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है कैपिटल की तरफ वो क्या है बढ़ जाती है, आपके शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, आपके पास शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी
अगर आपका चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा। तो कैपिटल की कमी आपके पास नहीं रहेगी, ये भी एक फायदा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इसके अलावा मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। सारे पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर गुडविल है तो आपकी आपको कैपिटल भी, एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी, और आपकी गुडविल है, कैपिटल भी है, ठीक है, और तो आपका फिर क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी। आपका जो शेयर मार्केट की एफिशिएंसी है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। इसके अलावा आपके लिए जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिस्क क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि आप हर एक रूल्स रेगुलेशन को क्या करो, इम्प्लीमेंट कर पाते हो। आपका जो इन्वायरमेंट है, इथिकल है बिजनेस के अंदर, तो उस इथिकल इन्वायरमेंट को, बिहेवियर को आप अपना रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये चीजें क्या करती हैं, आपके लिए रिस्क को कम कर देती है। कैपिटल आपके पास है अच्छी खासी, तो आपके पास कैपिटल का कोई रिस्क नहीं है। आपके पास मैनेजमेंट अच्छी है, आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे से अपना काम करते हैं, तो उसका फायदा क्या रहेगा, रिस्क जो क्या हो जाएगा, रिस्क फैक्टर आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। अगर किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर गुड है, तो वहां पर क्या है, सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है कंपनी की, उसको भी पूरा किया जाता है, ठीक है। वहां पर चाहे उनको अच्छा इन्वायरमेंट देना हो, रोजगार देना हो, चाहे उनके हितों की रक्षा करनी हो, या फिर जो लोकल कमिटमेंट्स होते हैं, कम्युनिटीज होते हैं, उनको आप ध्यान में रखते हो, तो एक तरीके से एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी के अंदर कन्वे होता है। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक फायदा है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, रिड्यूसिंग वेस्टेज। वेस्टेज ना हो किस चीज की, जो आपके पास रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज की वेस्टेज कब होती है, जब एक अच्छी प्लानिंग और कंट्रोलिंग नहीं होती, एक अच्छा डायरेक्शन नहीं मिलता। जब आपको पता है कि आपको अपनी कंपनी को किस तरीके से डायरेक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, तो कोई भी चीज अननेसेसरी वेस्टेज उसकी नहीं हो सकती। तो जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस, जो वर्किंग परफॉर्मेंस है कंपनी की, वो बढ़ जाती है। क्योंकि स्ट्रेटजीज बनाना, प्लानिंग करना, उनको इंप्लीमेंट करना, ये काम किसके है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ये काम अगर आप कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, देन सोसाइटी, सबको ध्यान में रखकर जब आप करते हो, तो आपकी जो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पैसा आपके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट अच्छी है, तो ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इम्प्लॉय आपके सेटिस्फाई रहते हैं। इम्प्लॉय अगर सेटिस्फाई होंगे तो अपना 100% देने की क्या करती है, कोशिश करती है। आगे बेटा, कम्बैटिंग करप्शन, यानी करप्शन क्या होगा, कम होगा। जहां पर चीजों की वायलेशन होती है, उल्लंघन किया जाता है, वहां पर क्या होता है, करप्शन ज्यादा होता है। तो करप्शन को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सारी चीजें अगर आप मैनेज्ड हैं, तो करप्शन के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये कुछ नीड्स और इम्पोर्टेंस थी आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। इसके अलावा अगर इसी पॉइंट को हम रिवर्स करते, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका फेल हो जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, उसके परिणाम क्या, तो जितने भी आपके फायदे थे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। आपकी कैपिटल की एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपकी गुडविल खत्म हो जाएगी, आपकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपका जो इम्प्लॉयज के ऊपर जो भरोसा है वो कम हो जाएगा, जिससे कि जो ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी इंक्रीज होनी थी इम्प्लॉयज की, वो वर्कर्स की क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो सारे परिणाम है, ये सारे के सारे ऑपोजिट हो जाएंगे इन केस इफ अ कंपनी डोंट हैव अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या फिर फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ जाएंगे। आगे है बेटा, स्कोप स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
स्कोप का मतलब क्या होता है, इसका एरिया या इसका क्षेत्र। इसके अंदर आप स्कोप के अंदर प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स है उन्हीं के ऊपर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ड, वही सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर फॉलो की जाती है। जहां तक अगर हम बात करें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो उन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो किया जाता है, तो अपने आप में वो उसका क्या है, एक पार्ट है। तो प्रिंसिपल्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अंडर द हेडिंग स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अलावा कुछ एक मेन स्कोप के एलिमेंट्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। जवाबदेही कब होती है, जब किसी व्यक्ति को कोई काम जिम्मेदारी अथॉरिटी सौंपी जाती है और वो उस काम को नहीं कर पाता, तो उस काम को ना करने का जवाब देना, दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी, कि क्यों नहीं किया। तो किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो जवाबदेही किसकी किसकी तरफ बनती है। सबसे पहले है मैनेजमेंट, जो कि आपका प्लानिंग का काम करता है, वो किसके प्रति जवाबदेही होती है, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई रॉन्ग वर्क करता है, तो वो शेयर होल्डर के प्रति अकाउंटेबल। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के बेस के ऊपर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम करती है। यानी अगर अकाउंटेबिलिटी का जहां पर भी क्वेश्चन आएगा, तो हम किसकी तरफ देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ और मैनेजमेंट की तरफ। उन्हीं की अल्टीमेटली क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज छुपाई ना जाए, डिस्क्लोज की जाए, इंफॉर्मेशन का जो एडुकेट इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली क्या की जाए, डिस्क्लोज की जाए। एडुकेट वर्ड इस वजह से यूज किया गया है कि सारी इंफॉर्मेशन तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन जो जरूरी है स्टेक होल्डर्स के लिए, उनको हम क्या करें, डिस्क्लोज करें, और उसके अंदर ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। फेयरनेस का पॉइंट हम एक पॉइंट से कंसर्न कर सकते हैं कि पक्षपात ना हो। जैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, तो उनको और बाकी शेयर होल्डर्स को आप क्या करो, समान महत्व, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी उनके बीच में नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके सामने कोई कंप्लेंट आई है, तो उस कंप्लेंट को उसका रिड्रेसल, उसका निवारण किस तरीके से किया जाए, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, और वो प्रोसीजर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो ये आपका फेयरनेस एलिमेंट के अंदर आता है। तो जब भी कोई ऐसा इशू आएगा कॉर्पोरेट के सामने कि कोई कोई कंप्लेंट से रिलेटेड है या अनफेयर कोई चीज हुई है, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसका क्या किया जाएगा, रिड्रेसल किया जाएगा। थर्ड एलिमेंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कोई भी चीज ना छुपाना नहीं है, डिस्क्लोज करना है उसको, लेकिन एडुकेट इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल हो सकती है, ओनरशिप के रिगार्डिंग हो सकती है, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग हो सकती है, तो सारी इंफॉर्मेशन क्या की जानी है, डिस्क्लोज करनी है, दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, कि जो हमें पता है वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं स्टेक होल्डर के सामने। तो ये एलिमेंट भी स्कोप के अंदर आता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है, अगर ये सोचे कि सेट प्रोसीजर और जो स्ट्रक्चर्स है वो अपने आप ही क्या करेंगे, कंफ्लिक्ट्स को कम करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। यानी जो सेट प्रोसीजर्स और मेथड आपने अडॉप्ट कर लिए, वो अपने आप ही क्या करेंगे, कंफ्लिक्ट्स को कम करते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ये चीजें इंडिपेंडेंटली ऐसे काम नहीं करती है, इनको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है, मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि फर्दर किसी की एडवाइस की जरूरत है, जैसे कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं कि कंपनी इनको कोई फाइनेंशियल कोई उसके साथ रिलेशन नहीं होता है, यानी कि उसको सिर्फ सिटिंग फीस दी जाती है। जब मीटिंग होती है कंपनी की, तो उनको जब बुलाया जाता है, तो पर मीटिंग के हिसाब से उनको पेमेंट की जाती है। उनका काम क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर बेटर डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करना या एडवाइस देना उनका बेसिकली काम होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कर सकते हो, जो कि आपको गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट करें। एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लायंस विद रूल्स। जितने भी रूल्स हैं, लॉस हैं, रेगुलेशंस हैं, चाहे वो सेबी के हों, ठीक है,
या फिर आपने अपनी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन स्टैब्लिश किए हो, तो उनको अप्लाई करना, उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको दोबारा से फीडबैक उनका लेना, रिव्यू करना, ये सारे आपके कंप्लायंस विद रूल्स के अंदर आते हैं। जहां पर रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स एक्ट गाइडलाइंस डायरेक्शंस को क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, वहां पर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पाया जाता है। ठीक है, तो आज के ये जो पॉइंट्स थे बेटा, द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके इसकी नीड, इसका स्कोप, इसके प्रिंसिपल्स, व्हाट इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, और फेलियर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सिक्वेंसेस, ये आज हमने किए। तो आज के लिए इतना ही काफी है।